हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ सखी गार्डन। तो आज मैं अपने गार्डन में ना जा करके आज मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ, आइए मेरे साथ। तो यहाँ देखिए, ये आपको एक मनी प्लांट दिखाई पड़ रहा होगा, ये तो आप मुझे बताएं कि ये ओरिजिनल है या लोकल है। ये देखिए, एक्चुअली ये हमारा मनी प्लांट बहुत सूख गया है गार्डन में, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। और वैसे मेरे घर में भी बहुत है, तो घर में तो नहीं सूखा है, घर में बहुत अच्छा है। और फिर भी जो है ना, घर को सजाने के लिए, हरियाली करने के लिए, और मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है, प्लांट से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो ये देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इसकी लिप्स कितनी अच्छी हैं और बड़ी बड़ी लिप्स वाला है। ये देखिए, इतनी एक बालस्त की इसकी लिप्स हैं। और ये प्लांट मैंने बाहर से बाय किया है, ये अमेजोन से मंगवाया है। तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग तो कर ली, फिर मैंने सोचा चलो वीडियो बना के आप लोगों को भी शेयर करती हूँ। तो ये मैंने प्लांट मंगाया है अभी अमेजोन से, क्योंकि वो प्लांट तो सारे गर्मी की वजह से ख़राब हो जा रहे थे। तो ये जो है ना, ये ख़राब नहीं होगा, उन प्लांटों के बीच में रहेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये मेरा प्लांट पड़ा है मुझे 400 रुपये का, है ना। तो ये गमले के साथ आया है, ये देखिए इसका पॉट कितना अच्छा पॉट है, ये है ना, ये दिखाई पड़ रहा है ना, इतना बड़ा ये पॉट है। और पॉट के साथ में ये देखिए, ये हैं स्टेम, ये ऐसे लग रही हैं जैसे कि ओरिजिनल हैं, बट ये ओरिजिनल नहीं हैं, ये एक प्लास्टिक की हैं, है ना, ऐसे लग रहा है जैसे कि ओरिजिनल हो, है ना। तो मैं मेरे रूम में ही बैठी थी, तो रूम में ही मैंने अनबॉक्स इसको किया है। ये देखिए, एक एक स्टेम है और इसकी लिप्स मैंने लगा ली, क्योंकि लगाते हुए फिर मैं आपको नहीं दिखा पाती, फिर कैमरे की पकड़ने की बहुत परेशानी थी, घर में कोई होता नहीं है और रखने का कोई जुगाड़ नहीं है, इसलिए मैंने इसकी एक एक लिप्स इसमें लगा दी है। ये देखिए, तो ये वाली लिप्स है ना, ये काफ़ी डार्क है, बहुत प्यारी लग रही है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। अब इनका ना सूखने का झंझट और ना ही मुरझाने का झंझट, तो बीच में रहेंगी। वैसे हमारा इतना बड़ा प्लांट मैं आपको दिखाऊंगी अभी, बल्कि इससे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी लिप्स हैं हमारी जो ओरिजिनल मेरे पास है। तो ये देखिए, और नीचे डार्क कलर है ये सारा, और ऊपर में ये तीन लिप्स जो हैं, ये ऐसे न्यू लिप्स निकलती है ना, बिल्कुल सेम वैसी लग रही हैं। तो ये लाइट ग्रीन है, बिल्कुल बहुत ही प्यारा है, देखिए बहुत प्यारा लुक है, दिखाई पड़ रहा होगा मैं कितना ऊपर से आपको दिखा रही हूँ, है ना। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बड़े बड़े इसके लिप्स हैं। तो अगर आप नेचर के शौकीन हैं, आपके घर में प्रॉब्लम हो रही है, आपके प्लांट सूख जा रहे हैं, वैसे तो आप कोशिश करें जो ओरिजिनल होते हैं वही अच्छे होते हैं, और ओरिजिनल के साथ आप इसको रख सकते हैं अगर आप नेचर के शौकीन हैं तो। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए, अब मैं आपको इसी का ही एक ओरिजिनल दिखाने वाली हूँ जो मैंने अपने घर में लगाया है। मैं आपको अभी लेके चलती हूँ और मैं आपको अपना ओरिजिनल दिखाऊंगी, वो भी हमारे फ्रिज के ऊपर रखा हुआ है, मैंने रखा है फ्रिज पर, तो वो मेरा ओरिजिनल है और बिल्कुल सेम ऐसा ही है। आप उसको बिल्कुल भी आप गैस नहीं कर सकते हैं और ना ही इसको कि ये ओरिजिनल है या वो लोकल है। तो मैं आपको लेके चलती हूँ, मैं अपना ओरिजिनल आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरे साथ रहिए। अगर आपको सखी गार्डन की गार्डनिंग पसंद आती है तो सखी गार्डन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और न्यू फ्रेंड म्यूजिक पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाएं और मेरे साथ आइए, मैं दिखाती हूँ अपना ओरिजिनल वाला प्लांट। तो अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ और मैं अपना ओरिजिनल भी आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये वाला है ओरिजिनल और ये है हमारा प्लास्टिक का लोकल। अब आप गैस करें, है ना। ये देखिए, इसकी भी लिप्स काफ़ी बढ़िया आपको दिखा रहा होगा। ये देखिए, अब दोनों मैंने एक साथ रखे हुए हैं, आप गैस करिए कि ये प्लास्टिक का लग रहा है, नहीं ना, ये लोकल नहीं लग रहा ना, बिल्कुल ही ओरिजिनल लग रहा है, क्योंकि दोनों सामने हैं, सेम है,
है ना, आप खुद ही गैस कर सकते हैं। तो लग रहा ना बहुत खूबसूरत। ये मैंने कल ही इसकी सफाई की है। एक्चुअली आजकल गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, तो थोड़ा सा पानी जल्दी इसका चेंज करना चाहिए, बट मेरे को थोड़ा टाइम हो जाता है तो मैं कर नहीं पाई थी। तो एक दो लिप्स जो इसमें थी वो हमारी ख़राब हो गई थी, नहीं तो वैसे हमारा ये 2 लीटर की बोतल है ये जिसमें सरसों का तेल आता है। तो ये मैंने पूरा इसको भर के, और इसमें थोड़ा सा मैंने पहले तो डाल दिया था कॉफ़ी पाउडर, इस बार थोड़ा सा डाला है एसम सॉल्ट। तो एसम सॉल्ट जो है ना एक ही बार डालना चाहिए सॉल्ट को, उसके बाद में जैसे कि स्टेम इसकी मोटी हो जाती है। तो मैंने घर में ही रख के देखिए कितनी मेरी स्टेम मोटी हुई है, एसम सॉल्ट डालने से ही हुआ है, उसी का कमाल है ये। ये देखिए मोटी मोटी जड़ें हैं इसकी, आपको दिखाई पड़ रही होंगी ये, और ये स्टेम भी कितनी मोटी हो गई है इसकी देखिए, है ना। ये एक ही स्टेम है पूरी, और इसकी रूट्स भी देखिए कितनी मोटी हैं ये। तो जब मैंने इसको लगाया था तब ऐसा नहीं था। तो कभी भी आप मनी प्लांट अगर बोतल में डालते हैं तो फर्स्ट बार अगर आप उसमें एसम सॉल्ट डाल देंगे तो आपकी स्टेम को मोटा करेगा और लिप्स भी ग्रीन रहेगी, चमकदार रहेगी, कोई भी कैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही ज़बरदस्त आपका प्लांट बनेगा। तो बट ये बार बार नहीं डाला जाएगा, बस एक बार डाल के 15 दिन तक आप इसी तरीके से प्लांट को रखें, और 15 दिन के बाद फिर आप अपने पानी को चेंज कर दें, उसके बाद फिर ना डालें, है ना। तो देखिए अब आप खुद ही गैस कीजिए कि एक ये हमारा, ये मैंने अभी मंगवाया है जो मैंने अभी आपको बताया, और ये हमारा ओरिजिनल है। तो आप ये बताएं कि दोनों में से क्या फ़र्क है और कौन सा अच्छा लग रहा है। तो ठीक है फ्रेंड, अब मैं चलती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलूँगी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सखी गार्डन को इजाज़त दें, बाय, टेक केयर, बाय बाय।